हम लोग हैंडबॉल खेलने के लिए कौन से कौन से स्किल्स की जरूरत है वो देखने वाले हैं। उसके पहले आज एक हैंडबॉल का ही एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हैंडबॉल का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हैंडबॉल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया है। थोड़ा सा फास्ट वीडियो कि उनको 4 मिनट्स पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैंडबॉल के स्किल्स के बारे में, हैंडबॉल खेलने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत है उसके बारे में।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट हैंडबॉल, हैंडबॉल के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हैंडबॉल का जो कोर्ट रहता है उसके मेजरमेंट कैसे रहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसी के साथ हैंडबॉल का गोल पोस्ट कैसे रहता है वो भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग हैंडबॉल के स्किल्स के बारे में जानने वाले हैं कि हैंडबॉल खेलने के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत है। In order to play handball, you must learn certain number of skills and practice them until they are second nature. Most of the skills in the list below can be transferable to other sports. आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको कुछ स्किल्स दिख रहे होंगे, तो ये स्किल्स जो है वो हैंडबॉल खेलने के लिए सीखना जरूरी है। उसी के साथ सिर्फ हैंडबॉल के लिए नहीं, इसमें से कुछ स्किल्स ऐसे भी है जो अदर गेम्स के लिए भी आपको यूजफुल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ड्रिबलिंग से। अंशु दुबे खुद को अनम्यूट करना है और ये जो स्लाइड है ड्रिबलिंग की वो स्लाइड आपको रीड करनी है। आकांक्षा दुबे आकांक्षा खुद को अनम्यूट करो। ओके सुधांशु पांडे खुद को अनम्यूट करो, आपको ये स्लाइड रीड करनी है। सुधांशु पांडे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, शैल आई स्टार्ट? रीड करो। Yes. Yes, sir. Dribbling. It is important to know how to dribble when entering a game of handball. If you are a ball carrier, you must dribble in order to move up the court. Focus on the dribbling with the same size ball that you will use during a game or smaller to develop better coordination. Okay. Dribbling. Yes, yes. It is important to know how to dribble when entering a game of handball. If you are a ball carrier, you must dribble in order to move up the court. Focus on the dribbling with the same size ball that you will use during a game. The same size ball that you will use during a game or smaller to develop better coordination. So, ड्रिबलिंग क्या है? सबसे पहले ड्रिबलिंग जो स्किल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हैंडबॉल खेलने के लिए ये हम लोग करते हैं। बॉल को हम लोग को ट्रैवल करना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों को अपोनेंट टीम जो है हमारी उनके गोल में या गोल पोस्ट पर अटैक करना है तो हम लोग को बॉल जो है उनके गोल पोस्ट तक लेके जाना जरूरी है। तो वो लेके जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहता है बॉल ड्रिबल करते हुए हम लोग अपोनेंट की गोल पोस्ट तक जाए और सेकेंड ऑप्शन रहता है पासिंग करते हुए। तो अभी हम लोग ड्रिबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्रिबल कैसे करना है वो भी आपको स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक व्हाइट कलर का स्टिकर दिख रहा है उसके उसमें दिखाया है कि आपको ड्रिबल कैसे करना है। ड्रिबल करने के लिए आपको एक तो सेम साइज का बॉल जो हम लोग मैच में यूज करने वाले हैं। हैंडबॉल खेलने के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग साइज के बॉल रहते हैं। मेंस के लिए अलग रहते हैं, वुमेन्स के लिए अलग रहते हैं, जूनियर टीम्स और सब जूनियर टीम्स जो रहती है उनके लिए भी अलग साइज के बॉल रहते हैं। तो आपको ड्रिबल करने के लिए मैच में जो बॉल आपके एज कैटेगरी के हिसाब से आपको जो बॉल मैच के लिए मिलने वाला है या मैच में यूज होने वाला है वो साइज के बॉल पे ही आपको ड्रिबल का प्रैक्टिस करना है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, थोड़ा छोटा साइज वाला जो बॉल है उससे आपको ड्रिबल की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से होने के लिए, कोऑर्डिनेशन डेवलप होने के लिए आपको छोटे साइज का बॉल लेकर भी आप ड्रिबल कर सकते हैं। अभी ड्रिबल कैसे करना है, यदि आप एक जगह पर खड़े रह के ड्रिबल करने वाले होंगे तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके नी जो है वो स्लाइटली बेंड रखने हैं। उसी के साथ आप फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड से ड्रिबल कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट फुट जो है वो थोड़ा सा आगे रखना है। बॉल का कॉन्टेक्ट कहाँ पे होना है, तो बॉल का जो टॉप है वहां पे आपके फिंगर पैड जो है उसका कॉन्टेक्ट होना जरूरी है और आपको फिंगर पैड जो है उसका बॉल के टॉप के ऊपर, बॉल का जो टॉप है वहां पे कॉन्टेक्ट करके बॉल को जमीन के ऊपर बाउंस करना है।
इस तरीके से आपको, यदि आप एक जगह पर खड़े रह के ड्रिबल करने वाले हैं तो ड्रिबल करना है। यदि बॉल को आपको ट्रैवल करना है, मतलब बॉल लेके आपको आगे जाना है, तो उस वक्त कैसे ड्रिबल करना है, तो आपको जगह पे खड़े रह के ड्रिबल करना है, तो आपको क्या करना है, बॉल के टॉप पे ड्रिबल करना है, बॉल के टॉप पे हाथ का कॉन्टेक्ट, फिंगर पैड्स जो है उसका कॉन्टेक्ट करना है। लेकिन ट्रैवल करना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके पीछे, बॉल के पीछे वाले साइड पे बॉल का और आपके फिंगर पैड का कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। बॉल के पीछे वाले साइड पे थोड़ा सा आपको प्रेस करना है और बाउंस करना है बॉल को। और क्या करना है आपको, यदि बॉल लेके वॉक करना है, रनिंग करना है, तो बॉल जो है आपके बॉडी के एक साइड में रहना चाहिए और आगे रहना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है देखो, बॉल टू साइड एंड इन फ्रंट ऑफ बॉडी फॉर ट्रैवल। उसी के साथ जब भी आप ड्रिबल कर रहे हो, तभी आपकी नजर जो है, आपके आई कॉन्टेक्ट जो है, वो कहाँ पे रहनी चाहिए, सामने रहना चाहिए। क्यों सामने रहना चाहिए, यदि आप या कोई भी प्लेयर नीचे देख के ड्रिबल कर रहा है, तो सामने क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है, सामने कोई प्लेयर खड़ा है क्या, डिफेंडर, ये पता नहीं चलेगा, तो वो पता चलना चाहिए। इसके लिए आपको सामने देखते हुए ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है थ्रोइंग। वर्षा तिवारी, आपको थ्रोइंग का स्लाइड जो है वो रीड करना है। वर्षा, आपको स्लाइड रीड करना है। हेलो। यस सर, थ्रोइंग करके जो पार्ट है आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा, मेरा कर्सर जहां पे घूम रहा है वो आपको रीड करना है। शायद आपके यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है मुझको। ठीक है, आप खुद को म्यूट कर लो। तेजस, आपको खुद को अनम्यूट करना है और ये स्लाइड जो है वो रीड करनी है। तेजस बोदड़े, तेजस खुद को अनम्यूट करो। ओके, भूमि पाटिल रीड करो आप। थ्रोइंग द बॉल इज विजुअली इंपॉर्टेंट टू द गेम ऑफ हैंडबॉल। यू विल बी थ्रोइंग द बॉल टू ईदर शॉट और पास टू अ टीममेट। प्रैक्टिस throwing with both hands, also both overhand and underhand motions. Being able to pass or shot with either hand is good skill to have. Okay, मैं फिर से एक बार read करूंगा। Throwing the ball is vitally important to the game of handball. You will be throwing the ball to either shoot or hands, also motion, underhand motions. Being able to pass or shoot with either hand is good skill to have. Throwing हम लोगों को कहाँ कहाँ पे useful होने वाला है? देखो, throwing हम लोगों को ball pass करने के लिए, teammate के पास ball को pass करना है, तो भी हम लोगों को throwing skill जो है, या प्लेयर को थ्रोइंग स्किल जो है वो आना जरूरी है। उसी के साथ शूट करने के लिए, मतलब अपोनेंट के गोल पोस्ट में गोल स्कोर करने के लिए भी थ्रोइंग जो स्किल है वो किसी भी प्लेयर को आना जरूरी है। उसी के साथ दोनों हाथ से थ्रो करने की जो हम लोग जो स्किल बोल सकते हैं उसको, हम लोग दोनों हाथ से थ्रो करने का जो स्किल है या एबिलिटी है, वो एक अच्छे वो एक प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा स्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ से पास करना, दोनों हाथ से थ्रोइंग आना, मतलब वो जो प्लेयर है दोनों हाथ से बॉल को शूट कर सकता है, या दोनों हाथ से, या दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट तरफ पासिंग भी कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है राइट साइड में, ऊपर व्हाइट कलर के स्टिकर में रिस्ट पास का दिया है कि थ्रोइंग स्किल जो है रिस्ट पास के लिए कैसे यूजफुल है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। यदि
कोई प्लेयर है और उसको उसके राइट साइड में बॉल को, राइट साइड में उसका टीममेट खड़ा है उसके पास बॉल को पास करना है, बॉल कैसे पास करेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, बॉल जो है दोनों में क्लिक बनाएगा बॉल। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, खुद को म्यूट कर लो। तो सबसे पहले वेस्ट लेवल के पास बॉल की ग्रिप करेगा दोनों हाथ से, उसके बाद में क्या करेगा वो प्लेयर में शोल्डर विड्थ जितना है उतना ही दोनों पैर में डिस्टेंस लेगा। अभी पासिंग कैसे करेगा, सबसे पहले एक लैटरल स्टेप लेगा टुवर्ड्स टारगेट, टुवर्ड्स टारगेट मतलब अपना प्लेयर, फॉर एग्जांपल राइट साइड में प्लेयर खड़ा है तो वो राइट साइड में एक लैटरल स्टेप लेगा, साइड में एक स्टेप रखेगा और अपना एल्बो जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेगा और पॉइंट करेगा किस तरफ, राइट साइड में जो टीममेट खड़ा है उसके तरफ। बॉल का ग्रिप जो है वो पासिंग हैंड में, पासिंग हैंड कौन सा, राइट साइड में पास कर रहा है मतलब राइट हैंड में बॉल का जो ग्रिप है बॉल को ग्रिप करेगा, राइट साइड में राइट हैंड में बॉल को पकड़ने वाला है वो अच्छे तरीके से। बॉडी का वेट है वो टारगेट की तरफ मतलब राइट साइड में जो प्लेयर खड़ा है उस तरफ वो लेकर जाएगा। एल्बो को थोड़ा एक्सटेंड करेगा, रिस्ट जो है उसको फ्लिप करेगा, फ्लिप करना मतलब इस तरीके से बॉल मैंने पकड़ा है और रिस्ट को मैंने फ्लिप किया, और फ्लिप करते करते आपको क्या करना है थंब से बॉल को जो है वो पुश भी करना है। इस तरीके से आप ये थ्रो जो है साइड पास, जिसको साइड पास बोल सकते हैं या रिस्ट पास बोल सकते हैं, हम लोग रिस्ट का जो है उसका यूज करते हुए हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये जो थ्रोइंग स्किल है यहाँ पे भी हम लोगों को यूजफुल है। उसी के साथ जब हम लोग शूट कर रहे हैं सामने अपोनेंट टीम जो है उनके गोल पोस्ट में गोल शूट करने के लिए भी थ्रोइंग स्किल इसेंशियल है या सीखना जरूरी है किसी भी प्लेयर को। नेक्स्ट है कैचिंग। कैचिंग इज मोस्ट ऑफन यूज व्हेन बीइंग पास द बॉल और व्हेन प्लेइंग एज अ गोली। इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिकॉज इफ यू ड्रॉप द बॉल यू गिव योर ओपोनेंट्स अ चांस टू गेट अ पोजीशन। व्हाइल प्लेइंग इन अ गोल कैचिंग द बॉल वेल विल हेल्प यू नॉट लेट अ लॉट ऑफ गोल्स इन योर नेट। कैचिंग स्किल किसको किसको आना जरूरी है, तो सबसे पहले तो है जो प्लेयर्स ऑन फील्ड कर रहे हैं उनके साथ गोलकीपर को भी कैचिंग स्किल आना या कैचिंग स्किल सीखना जरूरी है। अभी गोलकीपर पॉइंट ऑफ व्यू क्यों जरूरी है, फॉर एग्जांपल अपोनेंट टीम ने शूट किया और गोलकीपर ने बॉल को रोक दिया, रोकने हाथ से रोक दिया है बॉडी के किसी पार्ट से उसने बॉल को रोक दिया और बॉल जो है फिर से जो डी एरिया है, हम लोगों ने डी एरिया देखा था गोल कीपर ही वहां पे खड़ा रह सकता है उसके अलावा वो एरिया के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं एंटर कर सकता, वहां से वो बॉल बाहर जा रहा है और बाहर जाने के बाद क्या होता है अटैकर को फिर से मौका मिलता है, अटैकिंग टीम को फिर से मौका मिलता है बॉल को पकड़ के फिर से शूट करने का। लेकिन यदि गोल कीपर को स्किल जो है वो अच्छे तरीके से आ रहा होगा तो क्या करेगा वो लेगा, उससे क्या होगा बॉल डी एरिया के बाहर या गोल जोन के बाहर नहीं जाएगा और अपोनेंट को बॉल पकड़ के फिर से शूट करने का मौका नहीं मिलेगा। उसी के साथ जो प्लेयर्स है अदर प्लेयर्स गोलकीपर को छोड़ के जो प्लेयर्स ऑन फील्ड खेल रहे उनके लिए क्यों इसेंशियल है, तो उनके लिए इसके लिए इसेंशियल है कि फॉर एग्जाम्पल मैं पासिंग कर रहा हूँ या कोई भी प्लेयर है वो पासिंग कर रहा है, पासिंग करने के टाइम यदि उसको कैचिंग स्किल नहीं आ रहा है तो प्लेयर ने टीममेट ने पास देने के बाद कैचिंग स्किल अच्छे तरीके से न आने की वजह से क्या होगा उसके हाथ से कैच छूट सकता है, बॉल जो है वो ड्रॉप हो सकता है और बॉल ड्रॉप होने के बाद अपोनेंट टीम को बॉल का पोजीशन मिल सकता है। इसके लिए ये जो कैचिंग का स्किल है वो हर एक प्लेयर को आना जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक कैचिंग व्हाइट कलर के स्टिकर में दिखाया है कि कैच कैसे पकड़ना है, बॉल की तरफ सबसे पहले देखना है, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करना है बॉल की तरफ देखना है, बॉडी को उस तरीके से अलाइन करना है बॉल के साथ, एक्सटेंड आर्म को एक्सटेंड करना है, होल्ड फिंगर्स अप, फिंगर्स जो है उनको ऊपर की तरफ रखना है, एग्जीक्यूशन करना है रिसीव बॉल, बॉल जो है उसको पकड़ना है, फ्लेक्स एल्बो गिव विद द बॉल, और क्या करना है फॉलो थ्रो क्या है ब्रिंग हैंड्स टू चेस्ट, बॉल पकड़ के चेस्ट पर चेस्ट तक उसको नीचे लेके इस तरीके से हम लोग कैच क्रंपिंग
मोरवी का मोरे, खुद को अनम्यूट करना है और ये स्लाइड को रीड करना है। यस सर। जंपिंग, दिस स्किल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑफेंसिव प्लेयर्स हु शूट द बॉल ऑफन। समटाइम्स इन हार्डबॉल प्लेयर्स परफॉर्म अ जंप शॉट व्हिच मींस दे जंप बिफोर थ्रोइंग द बॉल एट द नेट। जंपिंग कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन कैचिंग द बॉल इफ इट इज अबव योर हेड। ओके, तो जंपिंग स्किल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है ऑफेंसिव प्लेयर्स के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जब भी ऑफेंसिव या अटैकिंग टीम के जो प्लेयर्स है वो गोल करने के लिए अपोनेंट टीम जो है उनके गोल पोस्ट के पास जाते हैं और वो खड़े रह के यदि गोल मारते हैं तो क्या रहता है, अपोनेंट टीम के गोल पोस्ट के आगे डी जोन पर डिफेंडर्स खड़े रहते हैं, तो क्या रहता है, जो शूट वो मारते हैं वो शूट जो है वो रुकने के या उसको सेव करने के या उसको पकड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि आगे डिफेंस टीम के जो है वो डिफेंडर्स खड़े रहते हैं। लेकिन वही शूट यदि अटैकिंग टीम के प्लेयर जंप करके शूट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनकी हाइट जो है और बॉल जो है वो उनके सर के ऊपर से या उनके हाइट के ऊपर से गोल पोस्ट तक पहुंचता है। इसके लिए जंपिंग स्किल जो है वो ऑफेंसिव प्लेयर के लिए जरूरी है क्योंकि उनको शूट मारने के टाइम वो स्किल यूजफुल होता है। उसी के साथ और कहाँ पे जंपिंग स्किल उनको यूजफुल रहता है, तो जब भी बॉल जो है कैचिंग करने के टाइम यदि बॉल का जो थ्रो है, अब टीममेट ने बॉल थ्रो किया है और वो बॉल जो है थ्रो जो है सर के ऊपर अबव हेड आ रहा है, उस वक्त जो प्लेयर है उसको बॉल पकड़ने के लिए जंप करके बॉल को कैच करना पड़ता है। इसके लिए ये जंपिंग स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैच पकड़ने के लिए जो अबव हेड वाला थे उनका कैच पकड़ने के लिए जंपिंग स्किल जो है वो इसेंशियल है। यहाँ पे जंप पास का एक स्टिकर है लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के, जंप पास जो है वो कैसे है, जंप शूट जो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं वो दिया है उन्होंने कि जंप शूट हम लोग कैसे मार सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है सेविंग। हर्षद खुद को अनम्यूट करो और ये जो स्लाइड आपको दिख रही है स्क्रीन पर वो रीड करनी है। हर्षद हर्षद खुद को अनम्यूट करो। ओके, पीयूष गायकवाड़ खुद को अनम्यूट करना है और रीड करना है स्लाइड। लव यादव खुद को अनम्यूट करो और रीड करो स्लाइड को। यस सर। हाँ, स्लाइड को रीड करना है, आपको जो स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पर उसको रीड करना है। This skill is important for mostly goalies, but sometimes other players on the court as well. Being able to save the ball by either catching or by deflecting it will help your team to stay in the game. Defenders can also save the ball indirectly by using their body to block shots from the other team. Okay. Saving. ये जो skill है, this skill is important for mostly goalies, but sometimes other players on the court as well. Saving मतलब क्या है? तो ball को save करना या goal जो है, goal को save करना, goal को रोकना, उसको बोलते हैं saving. और ये जो skill है, सबसे ज्यादा use कौन करता है इस skill का? तो goalkeeper. क्योंकि maximum goal जो है, वो goalkeeper को ही save करने पड़ते हैं. उसी के साथ जो defenders रहते हैं, उनको कभी-कभी ये skill का use होता है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई अटैकिंग प्लेयर जो है वो दूर से शॉट मारता है और बीच में डिफेंडर खड़ा है तो वो भी बॉल को रोक सकता है। सिर्फ उसमें रूल क्या है कि वो जो बॉल रोकेगा वो पैर से बॉल नहीं रोक सकते, यदि पैर को बॉल लगता है तो वो फिर फाउल माना जाता है।
यहाँ पे दो फोटोज है स्क्रीन के नीचे की साइड में, वहां पे गोल कैसे सेव किया जाता है वो दिखाया है वहां पे, और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है. नेक्स्ट है एक्यूरेसी. दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव फॉर हैंडबॉल. एक्यूरेसी इज नीडेड थ्रू आउट द गेम. हैविंग गुड एक्यूरेसी व्हेन यू शूट विल रिजल्ट इन अ बेटर चांस ऑफ स्कोरिंग विच विल हेल्प योर टीम विन. When passing, accuracy is helpful because you will aid your teammate in keeping possession, which could lead to a goal. Accuracy ये जो skill है, ये सिर्फ handball के लिए useful नहीं है. हर एक game में accuracy होना जरूरी है. Handball में ये skill कहाँ पे है और कैसे useful होता है हम लोग वो देखेंगे अभी. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि शूटिंग के टाइम, शूटिंग मतलब गोल करने के टाइम एक्यूरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है. जब भी अटैकिंग टीम है और हम लोग या कोई भी प्लेयर अटैकिंग टीम का शूट करने के लिए जाते हैं और उसके पास एक्यूरेसी स्किल है, तो वो एग्जैक्टली गोल पोस्ट के अंदर गोल शूट कर सकता है और अपने टीम के लिए पॉइंट स्कोर कर सकता है. वाइस वर्सा यदि उसके पास एक्यूरेसी स्किल नहीं है और उसने गोल शूट किया तो वो शूट जो है वो हम लोग बोल ही नहीं सकते या हम लोग उसके गारंटी नहीं ले सकते कि वो गोल पोस्ट के अंदर ही जाएगा. शायद वो गोल पोस्ट के बाहर भी जा सकता है यदि एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो. सेकेंड थिंग, और कहाँ पे हम लोग को हैंडबॉल में यूजफुल होने वाला है स्किल, तो पासिंग के टाइम. जब भी हम लोग पासिंग कर रहे हैं और पासिंग में एक्यूरेसी नहीं है तो शायद बॉल जो है अपोनेंट टीम के प्लेयर्स के भी हाथ में जा सकता है, और एक्यूरेसी है तो टीममेट के पास भी, हम लोग टीममेट के पास एक्यूरेटली बॉल पास करके गोल करने के जो चांसेस है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. इसके लिए एक्यूरेसी, ये जो स्किल है, ये हर एक प्लेयर को आना जरूरी है और एक्यूरेसी जो है वो हर एक प्लेयर के पास रहना जरूरी है, पासिंग के लिए भी और शूटिंग के लिए भी. नेक्स्ट है पावर. This skill is mostly needed for shooting the ball towards the net. Combined with accuracy, power shot will be difficult for any goalkeeper to save. You can practice your power throws against a wall or with a teammate in a net. Be sure to control where the ball is thrown so you do not miss the target. इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा था? Accuracy. ठीक है. तो एक्यूरेसी और पावर्स, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो शॉट रहता है वो गोलकीपर को उस शॉट को रोकना गोलकीपर के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है. फिर वो गोलकीपर कितना भी एक्सपर्ट या कितना भी हाई स्किल्स का क्यों ना हो. तो और ये जो पावर है, पावर सिर्फ हम लोग, ये जो स्किल है सिर्फ हम लोगों को हैंडबॉल के लिए यूजफुल नहीं होने वाला है, ये अदर गेम्स के लिए भी यूजफुल है जो बॉल गेम्स है. अभी खुद की शूट की जो पावर है वो इंक्रीज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ड्रिल्स हैं. उसमें से एक ड्रिल जो है कि हम लोग जो पावर थ्रोज है वो वॉल के ऊपर यदि हम लोग करते हैं, वॉल के अगेंस्ट करते हैं, तो भी हम लोग के शूट की जो पावर है वो इंक्रीज हो सकती है. उसी के साथ और एक कौन सा स्किल है कि जो हमारा टीममेट है, टीममेट में से किसी एक को हम लोग नेट में भेज देते हैं, नेट में मतलब गोल पोस्ट के पास, और शूट का प्रैक्टिस करके भी हम लोग हमारे शूट की जो पावर है वो इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्किल है रनिंग. ये जो स्किल है ये हर एक गेम में हम लोगों को यूज होने वाला या एसेंशियल स्किल है रनिंग. While you are not running whole time during a handball game, it is still an important skill. Being able to get by defenders and make your way towards the net is easier when you are fast. There are tons of drills that you can do to increase your speed and acceleration. ये running जो skill है वो handball में कैसे useful है ये मैं अभी बता रहा हूँ. कि हैंडबॉल जो गेम है इसमें हर एक प्लेयर को पूरे 1 आवर मतलब 60 मिनट्स का मैच रहता है, तो 60 मिनट हर एक प्लेयर रनिंग नहीं करता है, तो भी हम लोगों को ये रनिंग का स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इफ अटैकिंग टीम है, टीम अटैक करने के लिए आ गई है और
मैं डिफेंस की टीम में हूँ और मैंने बॉल को इंटरसेप्ट कर लिया, बॉल जो है अटैकिंग टीम के हाथ से निकाल लिया, छीन लिया, तो छीन लेने के बाद मुझको क्या करना है, अपोनेंट के गोल पोस्ट पे जाके अटैक करना है या अपोनेंट के गोल पोस्ट में जाके गोल करना है। तो उस वक्त यदि मेरे पास मेरा रनिंग का जो स्किल है, मेरे रनिंग मेरे पास स्पीड भी है और ये जो स्किल है इसका मेरे मैंने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, तो मैं स्पीड में ड्रिबल करते हुए जाके अपोनेंट के गोल पोस्ट में गोल स्कोर कर सकता हूँ। इसके अपोजिट हम लोग सोचते हैं, यदि मेरे पास स्पीड नहीं है, मैंने रनिंग स्किल का इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, तो क्या हो सकता है, जब भी मैं ड्रिबल करते हुए अपोनेंट के गोल पोस्ट पे अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पहले जो अटैकिंग टीम के प्लेयर्स है या डिफेंडिंग टीम के प्लेयर्स है, जब भी मेरे हाथ में बॉल आ जाता है, तो अपोनेंट जो है वो स्पीड में रनिंग करते हुए उनके डी जोन के आगे जाके उनके गोल पोस्ट का जो है डिफेंस कर सकते हैं वहां पे जाके और गोल सेव कर सकते हैं। और मेरा स्पीड अच्छा है तो क्या होगा, मेरे टीम के गोल करने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके लिए रनिंग ये जो स्किल है हैंडबॉल में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट स्किल है। उसके बाद में है ब्लॉकिंग। इन हैंडबॉल ब्लॉकिंग इज मोस्टली यूज इन द फॉर्म ऑफ अ पिक एंड रोल। अ टीममेट विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डिफेंडर सो दैट द बॉल कैरियर कैन गो बाय इजीली। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्किल बिकॉज इट इंक्रीज स्पेस फॉर अ प्लेयर टू आइदर पास और शूट द बॉल ऑन नेट। अभी ये जो ब्लॉकिंग स्किल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लॉकिंग स्किल जो है वो डिफेंस और अटैक दोनों टीम्स के प्लेयर्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस टीम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको अटैकिंग टीम आ रही है जिसके हाथ में बॉल है वो प्लेयर को हम लोगों ने ब्लॉक कर लिया, रोक दिया, तो गोल होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। उसी के साथ अभी अटैकिंग टीम के लिए कैसे यूजफुल है ब्लॉकिंग ये भी बताता हूँ। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक स्टिकर दिख रहा है या एक पिक्चर दिख रहा है, फोटो है, रेड कलर के जो प्लेयर्स है वो है डिफेंस टीम के प्लेयर और ये जो व्हाइट कलर के जर्सी में जो प्लेयर है वो है अटैकिंग टीम के प्लेयर। अभी क्या हुआ है, अटैकिंग टीम के जो प्लेयर है जिसके हाथ में बॉल नहीं है वो प्लेयर ने क्या किया है, ये जो डिफेंस का जो प्लेयर है उसके आगे आके खड़ा हो गया, मतलब क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया है। और ये जो दूसरा प्लेयर है ये क्या कर रहा है, जिसके हाथ में बॉल है उसको साइड से डिफेंस कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, गोल होने के जो चांसेस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं क्योंकि सामने से फ्रंट से डिफेंस ब्लॉक नहीं किया है प्लेयर को, तो प्लेयर इजीली गोल कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज है ब्लॉकिंग स्किल का। यदि ब्लॉकिंग स्किल अच्छे तरीके से आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टीममेट को जो है गोल करने के लिए या शूट करने के लिए एक आसान रास्ता रेडी करके दे सकते हैं। तो इतने स्किल्स हैंडबॉल खेलने के लिए जरूरी है। अभी जितने भी स्किल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो आप हैंड रेज करो, हम लोग डाउट जो है आपके वन बाय वन सॉल्व करेंगे।